एक ऐसा कुत्ता है, अगर आप लोग इसके बारे में जान लोगे तो शायद आपका दिमाग भी घूम सकता है। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कुत्ता है वो यही ब्रीड का कुत्ता है। बहुत सारे लोग इसको पोमरेनियन डॉग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको इंडियन स्पिट्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बिलैती कुत्ता बोलते हैं। इसका बाल काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादातर ये उजले कलर में आता है, लेकिन कभी कभी ये भूरा और काला कलर में भी आ जाता है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग सब कुछ जानिए एक छोटे से वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने लगभग 4 साल से इस ब्रीड को पाला हुआ है और शायद मुझे इस ब्रीड के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो ब्रीड होता है, लोग बोलते हैं कि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा काटता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है कि ये बच्चे को बहुत काटता है, तो मैं इसका भी कारण आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता यही डॉग मिलता है, सबसे सस्ता। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, इसके बिहेवियर के बारे में। दोस्तों, इसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा लविंग होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मतलब कि ये आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा करेगा, ये दिमाग का तेज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपने डॉग को बहुत ही आसानी तरीके से बहुत सारी ट्रेनिंग को सिखा दिया, जैसे कि हाथ मिलाना, ज़मीन पे सो जाना। उसके साथ हम लोग ट्रिक के साथ खेलते भी हैं, जैसे कि उसके साथ हम प्लेइंग करते हैं तो वो उसके साथ सो भी जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ मैंने उसको सिखाए हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे डॉग हैं, मैं उसके साथ खेलता हूँ, तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ भी इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ये जो डॉग होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इसका कारण एक ही है कि ये बचपन में भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा कोमल होता है, दिखने में एकदम टेडी बेयर जैसा होता है। तो बच्चे लोग भी इसको मजाक में ले लेते हैं और बार बार क्या होता है कि इसका बाल खींचते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये भी परेशान हो जाता है। अब आप लोग बताइए कि एक बंद कमरे में आप लोग बिल्ली को मारोगे तो क्या होगा? बिल्ली अपने आप पे ले लेगी और आप पर अटैक भी कर सकती है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग बाहर बिल्ली को मारोगे तो बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन कमरे के अंदर क्या होगा? कमरे के अंदर वो अटैक कर सकती है। तो यही होता है कि डॉग भी अपने आप को बचाने के लिए वो अटैक कर देता है, और यही चीज़ उसके साथ बार बार होता रहे तो डॉग ट्रेंड हो जाता है और बच्चों को ज़्यादातर वो काटने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रीड ही खतरनाक है, इसके बारे में कुछ और खासियत आप लोग जान लीजिए कि ये बीमार बहुत कम पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कम बीमार पड़ता है। वैसे तो बचपन में ये कमज़ोर होता है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए जैसे डिस्टेम्पर पार्वो तो फिर बचने का चांसेस कम होता है, लेकिन जैसे ही एक बार ये बड़ा हो जाए तो इसका इम्यून पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंडियन वेदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा एडप्टेड है। जल्दी इसको सर्दी नहीं लगेगा, जल्दी गर्मी नहीं लगेगा, जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगा। दोस्तों, और भी बहुत सारा इसका खासियत है कि ये भर दिन खेलता कूदता रहता है, कभी थकेगा नहीं, और उससे भी सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये गार्डिंग बहुत बेहतरीन करता है। आपके घर के बाहर थोड़ा सा भी कोई खरखुर किया, कोई चोर आ गया तो इतना ज़ोर से बोलेगा कि आपको जगा देगा, मतलब कि चोरी होने नहीं देगा। तो ये सब इस ब्रीड का एक क्वालिटी है। आप लोग को कोई क्वालिटी पता हो इस ब्रीड के बारे में तो कमेंट करिए, अगर आप लोगों को कोई खिस्सा पता हो इस ब्रीड के बारे में तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे इस पोम टॉय अनुराग फेसबुक पेज पे ऐसे ही एक नहीं हजारों जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट फतिंगे और फल फूल के बारे में जानकारी आते रहता है। तो आप लोग भी नेचर से जुड़िए और जानकारी लेते रहिए। हम लोग मिलते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।